हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉकेट। सो आज इस जेंगो सीरीज के हम लास्ट वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट को, हमने प्रोजेक्ट को पाइथन एनीवेयर पे कैसे होस्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे लिखना है पाइथन एनीवेयर एंड उसे अपने अकाउंट से लिंक कर लेना है। मैंने अपने अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर लिया, माई ब्लॉगर मेरा यूजर नेम है, ठीक है। एंड मैंने अपने कोड को गिटहब पे पुश कर दिया है जेंगो ब्लॉक्स बिगिनर नाम से। अगर आपको कोड की जरूरत पड़े तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे चलते हैं अपने पाइथन एनीवेयर के डैशबोर्ड पे। एंड यहाँ पे मैं अपना बैस कॉन्सोल खोलता हूँ एंड बैस कॉन्सोल पे हमें क्या करना है कि हमें अपना जो रिपोजिटरी है उसे क्लोन करना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये बैस कॉन्सोल खुल जाता है एंड उसके बाद हमें गिट क्लोन करना है एंड अपने खुल गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल लिखना है गिट क्लोन एंड गिट क्लोन करने के बाद मुझे यहाँ पे लिखना, पेस्ट कर देना इस कोड को एंड ये यहाँ पे रेपो क्लोन हो जाएगी मेरी। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं, एक सिंपल सा कोड राइट करना है मुझे। उसके पहले मुझे अपना पाइथन वर्जन चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पाइथन माइनस माइनस वर्जन मैंने डाला एंड यहाँ पे मेरा पाइथन वर्जन 9.3.9.5 है। एंड उसके मुझे एक कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना, आप इसे राइट कर लेना अपने टर्मिनल पे, मैं एक वर्चुअल एनवायरमेंट पाइथन यूजर बिन पाइथन 3.9 में चेंज, एनवायरमेंट का नाम मैं कुछ और रखना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पाइथन 3.9 कर देता हूँ एंड एनवायरमेंट का नाम मेरा होगा माई ईएनवी एंड यहाँ पे अपने आप अपना एक वर्चुअल एनवायरमेंट बना करके एक्टिवेट भी कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी डिपेंडेंसीज है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हम उसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनवायरमेंट बन गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई एनवी नाम से आ गया। एंड मुझे क्या करना है, मुझे अपनी चेक करनी पड़ेगी डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी जेंगो ब्लॉक्स बिगिनर्स है। तो मैं क्या करूंगा, सीडी जेंगो ब्लॉक्स बिगिनर्स के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम करेंगे पिप इंस्टॉल माइनस आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल करने लगे, एक काम करता हूँ कि मैं जरा वेब वर्जन भी इसका खोल लेता हूँ। वेब को मैं राइट क्लिक करके खोलता हूँ एंड यहाँ पे मैं अपना एक नया वेब ऐप बनाऊंगा। तो ऐड अ न्यू वेब पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पाइथन 3.9 सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अपना एक नया वेब ऐप क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने सोर्स कोड का मुझे यहाँ पे पाथ देना है एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ पे एंटर कर देते। यहाँ पे मेरा जो नाम था वो ऐड कर दूंगा, तो मेरा नाम था यहाँ पे माई ई एन वी एंड मैं उसे करके एंटर कर दूंगा। ये यहाँ पे पूरा अपना पाथ सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी स्टैटिक फाइल का पाथ देना है एंड मुझे अपने सोर्स कोड का पाथ देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जरा फाइल्स को भी खोल लेता हूँ एक बार। फाइल्स को मैंने राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोला एंड यहाँ पे जेंगो ब्लॉक्स बिगिनर्स के अंदर जाते हैं एंड मेरा जो स्टैटिक का फाइल है वो यहाँ पे है। तो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है स्टैटिक के अंदर। तो एंटर यूआरएल पे हमारा हो जाएगा स्लैश स्टैटिक, ठीक है। चेक करते हैं इसे एंड डायरेक्टरी में आ जाएगा हमारा, डायरेक्टरी में हमारा पाथ आ जाएगा। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया एंड मुझे अपने सोर्स कोड को यहाँ पे डालना है। तो जेंगो ब्लॉक्स बिगिनर्स तक का ही आएगा मेरा, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये पूरा जो मेरा है इसे मैंने कॉपी करा एंड यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना होगा सोर्स कोड के अंदर में, ठीक है। तो मैंने इसे क्लिक करके चेक कर दिया एंड मुझे कुछ नहीं, अब अपने WSGI फाइल को एडिट करना है थोड़ा, ठीक है। तो आप देखोगे अपने सोर्स कोड में एक WSGI.py फाइल होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये पूरा डिलीट करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये जेंगो जो लिखा है इसके ऊपर की पूरा डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट। एंड जेंगो के नीचे का भी पूरा हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। ये पूरा कर दिया मैंने डिलीट एंड कुछ चीज़ें अनकमेंट करने, ये अनकमेंट करा, ये अनकमेंट करा, ये अनकमेंट करा, देन ये करा, देन एक मिनट ये क्या आई शुड वांट टू सेव इट, अभी कैंसिल करते हैं फिलहाल एंड देन इसे भी अनकमेंट करता हूँ और ये पाथ को भी करना पड़ेगा एंड इम्पोर्ट सिस एंड इम्पोर्ट OS, ठीक है। एंड पाथ मुझे क्या डालना है, यहाँ पे मुझे अपने जेंगो ब्लॉग तक के पाथ देना है। तो फाइल्स कहाँ की मेरी, फाइल्स मेरी इसमें है एंड जेंगो ब्लॉग नहीं, बिगिनर्स तक का ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो यही पूरा चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसे मैंने कॉपी करा एंड सॉरी इसके अंदर पे मुझे पाथ की जगह पे ये पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे मुझे जेंगो ब्लॉग डालना पड़ेगा, ठीक है। जेंगो ब्लॉग ये बताएगा कि मेरी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल कहाँ पे है। तो ये जेंगो ब्लॉग करके मैंने यहाँ पे इसे सेव कर दिया, ठीक है, ऑल डन।
ठीक है, और बैस कॉन्सोल पे मेरा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एंड वेब ऐप पे देखते हैं, इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ कर दिया है। एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ पर रीलोड करते हैं, ठीक है, रीलोड करते हैं। एंड माई ब्लॉगर डॉट पाइथन एनी वे डॉट कॉम को मैं खोलता हूँ, एक बार रीलोड हो जाने देते हैं इसे परफेक्टली, ठीक है। रीलोड हो गया, अब से ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं, एंड देन ये सर्वर एरर दे रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सर्वर एरर भी फिक्स कर देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने जो ये एरर लॉग है ना, उसके अंदर जाना है। तो एरर लॉग को देखते हैं कि क्या ये एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर एंड टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट ब्लॉग स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो मुझे जाना अपने फाइल्स के अंदर में, एंड जाएंगे ब्लॉग के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पाई फाइल होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जरा एक क्या करना है, ये डीबग फॉल्स है, तो एक बार जरा ट्रू करेंगे ताकि पता चले कि हमारा एरर क्या है। एक बार फॉल्स ही रहते तो मुझे पता वैसे एरर क्या है। एरर वैसे हमारा ये है ना कि जो मैंने टेम्पलेट्स को यहाँ पे दिया है, उसे टेम्पलेट्स मिल नहीं रहे हैं। तो मुझे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, os.path.join, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा बेस डायरेक्टरी, एंड कॉमा करके हम इसे देते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। इसे सेव करता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ओ एस डॉट पाथ डॉट जॉइन बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट्स को मैंने कर दिया, एंड ये सेव कर दिया मैंने फाइल को। एंड वापस एक बार वेब ऐप को अपने रीलोड करते हैं, ठीक है। एंड जो अब ये एरर आ रहा है, मेरे ख्याल से तो चला जाना चाहिए, ठीक है, देखते हैं गाइस। रीलोड हो गया है, एंड इसे अब करते हैं ओपन, एंड यस, ये देखो पूरा हमारा वेबसाइट अब लोड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसका एडमिन साइट खोल करके दिखाऊं, तो एडमिन पे अगर चलते हैं हम, तो ये इसका एडमिन पेज भी खुलना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं अपना एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के देखूं, तो ये यहाँ पे परफेक्टली एकदम खुला है, ठीक है। और गाइज एक और बात मैं बताना भूल गया था कि आपको क्या करना है कि देखो अभी जो ये गूगल से लॉगिन है ना, वो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने जो अपने दिखा देता हूँ कि क्या करना है। गूगल क्लाउड कॉन्सोल में जाना है, गूगल क्लाउड कॉन्सोल, एंड वहां पे जो हमने सेटिंग्स कर रखी थी ना, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं हमें, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने गूगल क्लाउड कॉन्सोल के अंदर लॉगिन कर लिया, एंड यहाँ पे हम जाएंगे एपीआई एंड सर्विसेज एंड क्रेडेंशियल्स के अंदर में, क्रेडेंशियल्स के अंदर में हम जाएंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो बना हुआ होगा, तो उसे हमें कुछ नहीं करना। हमने क्या करा ना कि जो रीडायरेक्ट ये जेंगो ब्लॉक को खोलेंगे, एंड इसके अंदर मैं दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस करने हैं आपको। एक तो ये जो यूआरएल है ना, वो चेंज करना है मुझे। तो साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गया मैं, एंड ये पाइथन एनीवेयर डॉट कॉम को मैं कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्लाइंट के अंदर में ये इसे हम पेस्ट करते हैं, स्लैश नहीं लगेगा, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे रिडायरेक्ट के अंदर में ये जो लगा हुआ है, इसके अंदर में मुझे ये पेस्ट करना है, ठीक है, डबल स्लैश, इसे बस सेव कर देना है, ठीक है। अभी तक हमारा लोकल होस्ट पे था, लेकिन अभी होस्टेड वेबसाइट पे ये पूरा काम करेगा, तो इसलिए मैंने ये चेंजेस करने जरूरी हैं। अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो व्यू साइट के अंदर पे हम जाएंगे, एंड व्यू साइट के अंदर में जाने के बाद मैं एक बार पहले लॉग आउट कर देता हूँ, एंड देन आपको लॉग इन करना है विथ गूगल। एंड देन गाइज देखो यहाँ पे ये पूरा परफेक्टली एकदम चल रहा है, यहाँ पे मेरा लॉग इन हो जाएगा गूगल के साथ, एंड देखो लॉग इन हो गया सक्सेसफुली, साइंड इन, एंड यहाँ पे मेरे पूरे पोस्ट आ रहा है, मैं शेयर कर सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, मतलब ऑसम एकदम हो गया पूरा कॉन्टेंट, ठीक है। तो यस, ये हमारी जेंगो सीरीज अब यहीं पे खत्म होती है। होप करता हूँ कि ये पूरी सीरीज में आपको सच में बहुत मजा आया होगा, होस्टिंग आपको समझ में आई होगी, पूरी इसकी स्ट्रक्चर आउटलाइन समझ में आई होगी। अगर सच में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताना कि ये सीरीज कैसी लगी, और आगे हम और भी ऐसी अच्छी अच्छी सीरीजेस बनाते रहेंगे। हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी अच्छे जेंगो के बनाएंगे, एंड अभी बहुत सारे मोहन के भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमें ढेर सारा प्यार दो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो इस पूरे प्लेलिस्ट को, इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। मिलते हैं किसी अगले प्लेलिस्ट में, अगले नए रोमांचक दौर में, अगले किसी रोमांचक सफर पे, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।